हाय दोस्तों आज का ये वीडियो समर्पित है आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच के नाम फिगर ऑफ स्पीच इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टिक डिवाइस व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इट मे बी एकेडमिक और अनएकेडमिक सो विदाउट डिले नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर वन नंबर वन एजा एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच अब एलिट्रेशन होता क्या है ये देखिए समझिए पहले इसको बहुत आसान हो जाएगा एक बार इसके डिफिनेशन को देख लीजिए निश्चित रूप से आप कहीं भी इस सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको ये पता आसानी से लग जाएगा कि ये दिया गया वाक्य दिया गया सेंटेंस एलिट्रेशन है या नहीं नंबर वन एलेटेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ बिगनिंग ऑफ द साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स माने जब कभी भी एक ही लाइन में ऐसी वर्ड्स आते हैं जहां पर उसका फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग का लेटर रिपीट होता है टू आर मोर देन टू टाइम्स वहां पर होता है एलिट्रेशन लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पर स्टार्टिंग का लेटर और उसका साउंड दोनों रिपीट होना चाहिए एग्जाम्पल आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर यहां पर वन है क्या है वन सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स सी सेल्स आप यहां पर केवल यस yes, यस yes, देखेंगे यहां पर एक ही लेटर यस का रिपीटेशन हुआ है तो मतलब यहां पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वह एलिट्रेशन है सेकंड वाल्टर वॉन्ड वेयर विनर वॉच देखिए डब्लू पूरा रिपीट हुआ है ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन और कुछ एग्जांपल नीचे हैं ब्लू बेबी बोनेट नेक्स्ट निक नीडेड न्यू नोटबुक फ्रेड दोस्तों मुझे पक्का विश्वास है ये आपको एलेक्ट्रेशन फिगर आपके पीछे अच्छे से कन्फर्म हो गया होगा आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आता है नंबर टू नंबर टू में आप यहां देखेंगे एनाफोरा एनाफोरा वॉड इज एनाफोरा देखिये ध्यान से एनाफोरा इज द टेक्निक वेर सेवरल फ्रेजेस आर वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड आर सेम वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल माने ऐसी सेंटेंसेस ऐसी विधा होती है जहाँ पर कि कोई पोइट अपनी पोएम में एक ही फ्रेज एक ही लेटर से सारे के सारे शुरू करता है थे जैसे एग्जाम्पल देखिए आई केम आई सा आई कंकड़ आई केम आई सा आई केम आई सा आई कंकड़ माने ये फ्रेज है फ्रेज है और ये फ्रेज है और हर फ्रेज यहाँ पर शुरू हुआ, हुआ है आई से मतलब यहाँ पर एनाफोरा फिगर स्पीच है नेक्स्ट मैड वर्ल्ड मैड किंग्स मैड कंपोजिशन. देखिए हर फ्रेजिक का स्टार्टिंग वर्ड मैड है नेक्स्ट इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम इट वाज़ द एज ऑफ विजडम इट वाज़ द एज ऑफ फुलिसनेस तो आप देखिए सब में इट वाज इट वाज इट वाज यहाँ पर रिपीट हुआ है इसलिए यह होगा एनाफोरा शोर एना फोरा याद हो गया होगा आपको अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें क्या में? दोस्तों थर्ड है यूफेम्यूजम यूफे अब यूफे क्या होता है इसमें हम जाने के पहले आप एक को बात बताना चाहते हैं यूफे आपने देखा होगा एड आता है जोर का झटका मगर धीरे से जोर का झटका मगर धीरे से इसका मतलब क्या होता है माने आपके लाइफ में आपकी ज़िंदगी में आने वाली ऐसी दुर्दांत घटनाएं, दुखद घटनाएं, जो कि अच्छी ना हो, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में व्यक्त किया जाए एग्जाम्पल आप देखेंगे यूफे इज अ माइल्ड आर इन डायरेक्ट टर्म्स दैट ऑफेंस टू हॉस मैंने कठोर चीज़ों के लिए बहुत ही माइल्डली बहुत ही पोलाइटली बहुत ही हम्बली वर्ड यूज किया जाए ब्लंट आर ऑफेंसिव टर्म फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप देखेंगे समझ समय आ जाएगा पूरा यहाँ पर ये है ए लिटिल थिन ऑन टॉप ए लिटिल थिन ऑन टॉप माने ऊपर पतली सी परत अब इसका मतलब होता है गोइंग बेल्ड गोइंग बेल्ड गंजा एक आदमी गंजा है अब गंजे को गंजा न कह करके हम लोग बेल्ड न कह करके लिटिल थिन द टॉप बोलेंगे और एग्जाम्पल देंगे क्लियर करने के लिए लेटिंग यू गो लेटिंग यू गो इसका मतलब क्या होता है इंस्टेड ऑफ़ फायरिंग यू फायरिंग निकाल देना डांट के हकाल देना दूर कर देने को हम क्या बोलेंगे क्लाटी लेटिंग यू गो पास अवे passed अवे अब पास अवे पास मीन्स क्या होता है निकल जाना पास जाना लेकिन पास अवे उन्हें मर जाना डाइड मरने के लिए हम पास अवे लगाते हैं और आप कहीं देखेंगे नो मोर नो मोर ही इज नो मोर एक्चुअली इसको हम किसी अग्रवाल की बॉडी है तो डॉक्टर ज़्यादा करके ये नहीं बोलता कि ही इज पास्ट अवे ही इज डाइड वह मर गया है वह मर गया ये हार्स वर्ड है कठोर शब्द है इसको सिंपली क्या बोलता है ही इज ही इज नो मोर ही इज़ नो मोर और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे ही स्ल्प्ट फॉर एवर स्लैप्ट फॉर एवर स्लीपिंग एक अच्छा वर्ड है आराम शांति विश्राम के अर्थ में यूज किया जाता है लेकिन यहाँ स्लेप फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए सो गया मतलब मर गया तो नहीं मर जाना डेड हो जाना ये एक हास वर्ड है इसको हम जल्दी यूज नहीं करते हैं उसके बदले में हम पासड अवे नो मोर का यूज कर लेते हैं ऐसी लाइन्स जहाँ पर भी आती हैं आप वहाँ बोलेंगे यूफे मिजम और देखें एग्जाम्पल इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ इकोनॉमिकल विद द पर क्या है आप देखेंगे अब यहां पर हम बोलना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ लायर कोई झूठा है झूठे व्यक्ति व्यक्ति को हम बोल सकते हैं ही इज इकोनॉमिकल विद द मतलब सच्चा बोलने में बहुत ही वो मित सच्चा बोलने में हिचकिचाता है तो सीधा हम बोल देते झूठ बोलता है लेकिन उससे तो झूठा ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ मीन्स यहां पर हार्स वर्ड को माइल्डी बोला गया है इसलिए यहां पर होगा यूफे मिजियम आई हाइपरब्ली ध्यान देना इसके प्रोनाउंसिएशन पर हाइपरबोल दिख रहा है लेकिन इसको हाइपरब्ली पढ़ते हैं हाइपरब्ली वर्ड इज हाइपरब्ली यूज ऑफ एक्सजनरेशन ऑफ इंफेसिस ऑफ इफेक्ट माने किसी चीज़ को किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलने को हम बोलते हैं हाइपरब्ले है इसमें कोई जैसे अविश्वसनीय चीज़ें आप आइए देखिए यहाँ पर आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप थाउजेंड टाइम्स मैंने हज़ारों बार बोल चुका हूँ इसे रोकने के लिए अब ऐसा होता नहीं कि कोई एक हज़ार बार बोले लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये बोला गया आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप थाउजेंड टाइम्स नेक्स्ट That मस्ट है कॉस्ट ऑफ बिलियन डॉलर्स मनी बिलियन डॉलर्स कीमत है बहुत बढ़ा चढ़ा करके लाख टक्की की बात करोड़ों की बात बोलते ना कोटी कोटि नमन इस सारे क्या है यह है ओवरस्टेटमेंट स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा कर पेशना। आई कुड डू दिस फॉर यूर मैं हमेशा कर सकता हूँ ऐसा कैसे होता है कोई काम ऐसा होता नहीं है जिसे आप हमेशा कर सकें बोलता आई कुड डू दिस फॉर एवर मैं हमेशा हमेशा के लिए कर सकता हूँ सी इज़ ओल्डर दैन डर्ट सी इज ओल्डर दैन डर्ट गंदगी से भी ओल्डर है बड़ी है ठीक है ना ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आएंगे उसे बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट हाइपर ब्ली अब ऐसा नहीं आप पुराणों में वेदों में कथाओं में, में कथानकों में ऐसे ढेर सारे वाक्य आप सुनते हैं जहाँ पर सुनकर विश्वास तो करने का मन नहीं होता लेकिन कर लेते हैं ठीक है तो उसे बोलते हैं हापरब्ली जैसे एग्जाम्पल रामायण में लिखा गया है पद्म अठारह जूथप बंदर अठारह पदम कितना होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पद्म दस इतने इतने बंदर लंका में गए थे हाउ इट पॉसिबल आज इसके माने दसवां हिस्सा भी हजारवां हिस्सा भी करोड़वा हिस्सा भी भारत की जनसंख्या नहीं है फिर भी यहाँ पर कहीं पर स्कूल में जगह नहीं बस में जगह नहीं ट्रेन में जगह नहीं तो ये कैसे पॉसिबल था तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर सिर्फ किसी कथन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट मेटाफर मेटावर, मेटावर मेक्स कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स आर आइडियाज एग्जाम्पल इंक्लूड मैंने यहाँ पर जब अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों के वस्तुओं के बीच में हम कंपेयर करते हैं कंपेयर ना करके हम ये कहें इट इज इंटाइटल्ड मीन्स उसको वही बोल दिया जाता है एग्जाम्पल देखिए हर्ट ऑफ स्टोन हर्ट ऑफ स्टोन पत्थर का हृदय मैंने पत्थर का हृदय में पत्थर सा हृदय होना चाहिए लेकिन पत्थर का हृदय बोल दिया गया है टाइम इज मनी समय ही पैसा है ऐसा होता नहीं है टाइम मनी नहीं होता है मनी टाइम नहीं होता ये फिर भी लोग बोलते हैं टाइम इज मनी वर्ल्ड इज स्टेज दुनिया पूरी रंगमंच है कैसा रंगमंच भाई रंगमंच नहीं है यह एक यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है ऑनोमेडो ओनोड अब यहाँ क्या होता है उन्होंने पोई क्या होता है जहाँ पर किसी भी लाइन की पूरी की पूरी मीनिंग साउंड वर्ड पर क्लियर हो साउंड वर्ड पर डिपेंड हो ये साउंड वर्ड क्या होता है एग्जाम्पल हुज़ अब कहीं भी हुज आएगा हुज की आवाज़ वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ की जाती है वॉशिंग मशीन ये हुज एक साउंड है किस लिए वॉशिंग मशीन के लिए आई हर्ड द साउंड ऑफ हुज हुज मैंने हुज हुज की आवाज़ सुनी मतलब वहाँ पर वॉशिंग मशीन चल रही होगी अब क्या है स्पैल्ट है बज है क्लिक और है तो ये सारे वर्ड एक सर्टेन मीनिंग देते हैं उस मीनिंग के आधार पर ये साउंड है क्लिक जैसे क्लिक करना कैमरा क्लिक करता है जब क्लिक करेंगे कैमरा हो जाएगा स्प्रेड करेंगे स्प्रेड करेंगे छपाक हो जाएगा बारकिंग करें अभी थी एग्जाम्पल और देख लीजिए समझने में आ जाएगा ये बार्किंग बारकिंग एक साउंड है किसकी है? आप जानते हैं यह है कुत्ते की आवाज़ लेकिन अगर कभी आप किसी को बोल भर दें वाई आर यू बार्किंग वाई आर यू बार्किंग इतना सुनते ही भड़क जाएगा जबकि आपने उसको कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डॉग कुत्ता स्वान कुछ भी नहीं बोला है बस वर्ड दिया है बार्किंग तो बार्किंग एक साउंड है यह किसके द्वारा होता है कुत्तों के द्वारा होता है तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस की मीनिंग सिर्फ बार्किंग वर्ड पर डिपेंड करती है ऐसी मीनिंग कहीं भी आती है जहाँ पर कि साउंड वर्ड से पूरी मीनिंग क्लियर की जाती है उसे बोलते हैं ओनोमेटो अब आप देखिए नेक्स्ट ऑग्जी मोरन जरा तो ध्यान से देखिए एन ऑक्जीमोरन इज टू कंट्रेडिक्ट्री स्टेटमेंट या सेंटेंसेज या वर्ड्स यूज टुगेदर जहाँ पर दो अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्दों को एक साथ यूज किया जाता है वहाँ पर होता ऑक्जी मोरन एग्जाम्पल एक देख लीजिए तो मैं आप बताता हूँ लाइफ इज लाइफ इज ए बिटर स्वीट लाइफ इज बिटर स्वीट अब यहाँ देखना दो वर्ड बिटर और स्वीट दोनों को एक साथ यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर ऑग्जी मोरन है ध्यान रखना अगर यही वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में साथ साथ न देकर दूर दूर हुए होते इसको हम बोलते थे एंटीथिस एंटीथिस ऑब्जीमोरन और एंटीथिस में यही अंतर होता है ऑब्जीमोरन में अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स टुगेदर साथ रहते हैं और एंटीथिस में वो वर्ड दूर दूर रहते हैं अब देखिए पीस फोर्स ये पीस फोर्स क्या होता है जहां फोर्स है वहां पीस नहीं जहां पीस है वहाँ फोर्स की आवश्यकता नहीं फिर भी यहाँ पर दिया गया है पीस फोर्स ठीक है ना अगला है कौशन हैम जंबो सिम स्वीट सोरो फ्री मार्केट फ्री मार्केट तो ये आपके हो गए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफिस क्या है आपके लिए पर्सनिफिकेशन पर्सनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स ध्यान देना जहां पर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को निर्जीव चीज़ों को हम क्या देंगे ह्यूमन क्वालिटी दे देंगे उसको क्या बोलेंगे पर्सनिफिकेशन एग्जाम्पल देखिए द फ्लावर्स नोडेड अब यहाँ फ्लावर्स नोड मीन्स हामी सिर हिलाना अब फ्लावर्स के पास कौन सा सिर है लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया यहाँ पर फ्लावर को पर्सनिफाइड किया गया है द फ्लावर इज गिवेन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ नोडेड या नोड सो दियर इज पर्सनिफिकेशन नेक्स्ट द स्नो फ्लैग डांस स्नो फ्लैग डांस स्नो फ्लैग को डांसिंग करते हुए दिखाया गया है थंडर फॉग गुर्राई इन कोहरा धीरे धीरे अंदर आ गया ये सारे अब के क्रिप्ट माने रेंग कर चलना धीरे धीरे आना यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग क्वालिटी दी गई है इसलिए यहां पर होगा पर्सनिफिकेशन सिमिली ए सिमली इज ए फिगर ऑफ़ स्पीच इन विच कम्पेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाए जैसे मान लीजिए अभी कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम आई एम टॉलर देन यू आई एम एज टॉल एज यू आई एम लाइक यू तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कॉम्पेरिजन है दो इंसानों के बीच में हो गया आपको एक ही कैटेगरी की दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर नहीं करना है जैसे आप एग्जांपल देखें एच स्लिपरी एच ईल उतना स्लिपरी जितना ईल स्लिपरी मंच क्या होता है चिकनाड़ भरा अब एक प्रकार का समुद्र के पास पा जाने वाला किला है नेक्स्ट लाइक पीज इन पॉड लाइक पीज इन पॉड माने पॉड में पीज की तरह है एज ब्लाइंड एज बैट उतना अंधा जितना बैट चमगादड़ इट्स लाइक पिग सुअर की तरह खाना यहाँ पर सारी चीज़ों में क्या देख रहे हैं अब कंपेयर किया गया है की तरह ध्यान इसमें एक बात ये देना है ऐसे में आपको ये तीन वर्ड एच लाइक और सो ये तीन वर्ड निश्चित रूप से सिमिली में मिलने ही वाले होते हैं सैनिक डॉकी ये क्या होता है वेयर पार्ट ऑफ होल इज एक्सप्रेस्ड जहां पर किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा शो किया जाए जैसे आई सा अ फ्रेम हैंगिंग ओवर द वॉल वॉल अब क्या है इज वॉल वॉल इज अ पार्ट ऑफ रूम वॉल इज पार्ट रूम इज होल हर आईज वेयर ब्लिंकिंग उसकी आंखें ब्लिंकिंग कर करने आंखें क्या है पार्ट है किसका बॉडी का इस प्रकार से जहाँ पर किसी फुल चीज़ का पार्ट दिया जाएगा वहाँ पर होता साइन टॉकी दोस्तों आप इतने फिगर ऑफ स्पीच को आसानी से पढ़ करके अपने ट्रिक्स टेक्स्ट बुक में जा कर कि या किसी पोएम को लेकर के इस एग्जाम्पल को एक बार खोज लेंगे पता लगा लेंगे अपने मन से तो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच कन्फर्म हो जाएगा तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ We are going to close this video. I will see you by the next video. Thank you very much.